हेलो एवरीवन, जैसा आपने देखा हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में प्रोजेक्टाइल की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, हम 5 चैप्टर अभी तक कर चुके हैं, यानी कि 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। सो ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम देखने वाले हैं जो पैराबोलिक पाथ है जो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है, वो कैसे प्रूव होता है कि वो प्रोजेक्टाइल है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और कुछ हम देखेंगे स्पेशल केस। तो ये मैंने रोड मैप 2 टॉपिक लिख दिए हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे और हम बोर भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है हमारा है पैराबोलिक पाथ ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल। सो हमने क्या देखा था, हम देख पा रहे हैं कि सपोज मैंने अभी आपके सामने जो डायग्राम बनाया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस पर। इसमें देखिए, आप यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को, आप ये मेरा मार्कर आप देख पा रहे होंगे, मैं जहाँ इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ से प्रोजेक्टाइल किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये थीटा है, इस पर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। सो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है एक्स, यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वाई हाइट मिल रही है प्रोजेक्टाइल की, यानी कि वो वाई हाइट पर पहुँच चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने डायग्राम, सिंपल डायग्राम आपके सामने बनाया है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन को देखूँ, तो यहाँ देखिए आप, ये मैंने एक्स को लिखने की कोशिश की है, स्पीड इन टू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी होती है, यू एक्स होती है, टाइम कितना होता है, टी होता है। तो मान लिया हमने टी है, स्मॉल टी है, यू एक्स होता है यू कोस थीटा, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। हम अगर ये यू से है, तो इधर जो कंपोनेंट टूटते हैं हमें पता है, वो इस तरीके से यू साइन थीटा एंड यू कोस थीटा, राइट। अब देखिए, तो यू कोस थीटा इंटू टी है, टी यहाँ से हम निकालेंगे वो एक्स बाई यू कोस थीटा आ जाएगा। वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन में हमने जो इक्वेशन जो लिखी है, वो न्यूटन की सेकेंड लॉ, जो सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। यू वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यू साइन थीटा, टी मैंने यहाँ टाइम ले लिया, क्योंकि इस वाई को अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, जितना इसको एक्स ट्रैवल करने में लगा है, यानी कि टी टाइम। माइनस, माइनस क्यों लगा है, मैंने कहा था कि हर जगह पे, आप लास्ट वीडियोस देखिएगा, अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही है तो लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने बताया है माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हम उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ले रहे हैं। माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है, एक्स बाई यू कोस थीटा। एक्स यहाँ पुट करने के बाद यहाँ मैं टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब देखिए, ये यू से यू कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, बच गया एक्स। माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर यू एक्स बाई यू कोस थीटा होल स्क्वेयर। तो हमारे सामने ये जो बॉक्स निकल के आया है ये वाला, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर बाय में 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या मैं इसी, इस जो ये बॉक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाई 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। आप ध्यान दीजिए, ये जो कोस स्क्वेयर थीटा है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, क्या ये ऊपर जाके सेकेंड स्क्वेयर थीटा बनेगा? सेकेंड स्क्वेयर थीटा बनने के बाद ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा जो है, हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला डेराइव होके, या यहाँ से डिड्यूस हो रहा है, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाई 2 यू स्क्वेयर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब ये फॉर्मूला हमारा कहाँ काम आने वाला है, मैं 2 न्यूमेरिकल करवाऊँगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं बात कर रहा था कि हमें ये पता लगाना है कि हम जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को, यानी कि सॉरी, हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल पर, तो वो जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी कि प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को कवर करता है। सो हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, हमारे सामने इक्वेशन निकल के आ रही है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाई 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। देखिए, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, और मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूँ कि आपको, आपके जो 11th 12th का जो टाइम पीरियड रहा है, उसमें आपके सामने पैराबोलिक जो इक्वेशन होती है, यानी कि पैराबोला जो ट्राजेक्ट्री होती है सॉरी, उसकी इक्वेशन आपने ज़रूर पढ़ी होगी, और मैं आपको रिमाइंड भी करवा रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, यानी कि दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ये आपको एक पैराबोलिक पाथ देती है। तो ये पैराबोलिक पाथ जब देती है, क्या आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ए एक्स, क्या मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू मिल रही है? टेंजेंट थीटा, यानी कि मैंने बताया भी है यहाँ लिख के कि ये ए है और ये बी है। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज,
two terms as a and b. Now we are comparing this equation with y is equal to ax minus bx square. So this equation is having a structure like this equation, which is somewhere representing parabolic motion or parabolic trajectory. So we can say that a body which is projectile at angle theta, or whose angle of projection is theta, then it covers a path in a parabolic manner, and for that equation is y is equal to x tangent theta minus g x square by 2 u square cos square theta. आपने देखा, मैंने इसी के सामने और मैं लिख के इसको इस वे में भी दिखाया है. ये हमें हमने क्यों दिखाया है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार हमारे सामने जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है, हमारा थीटा से काम चल जाता है, तो आप वहाँ अपना टाइम बचा सकते हैं. तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि दिस फॉर्मूला कैन बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म. नाउ अब हम इसी फॉर्मूले से ये देखेंगे कि हम कैसे हमारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो आंसर्स जो हैं हम कैसे दे सकते हैं. अभी आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ है कि फुटबॉल प्लेयर है, ये फुटबॉल प्लेयर इस फुटबॉल को इसको ये किक करता है. किक करने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री को कवर करती है. और यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि ग्राउंड में एक गोल पोस्ट है और उसकी हाइट h है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ये इस गोल को प्रोजीक्यूट कर देगा, यानी कि एग्जीक्यूट कर देगा, गोल डन हो जाएगा या नहीं. तो क्वेश्चन सिंपल यही है कि गोल हो रहा है या नहीं हो रहा है. अभी आपने क्या देखा, देखिए अभी आपने फॉर्मूला लिखा y, यानी कि ये जो अभी आपने फॉर्मूला निकाला है लास्ट पेज पे, y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्र बाय टू यू स्क्र कोस स्क्र थीटा. इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम निकाल के आए हैं. आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको ये y मिल रहा है. y क्या है एक्चुअल में, y वो मैक्सिमम हाइट है जो ये बॉडी अटेन कर पा रही है x रेंज पर, राइट. तो x रेंज पर यानी कि x हॉरिजॉन्टल पाथ कवर जो किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कितनी हाइट मिल रही है. तो हम क्या देखेंगे, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. आप इसमें देखेंगे कि गोल पोस्ट की जो हाइट है वो h है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल, आपकी जो फुटबॉल है वो मैक्सिमम हाइट y अटेन करने वाली है. अगर ये y अगर हमारा h से छोटा आता है तो ऑब्वियसली बात है हमारा गोल क्या हो जाएगा, वो डन हो जाएगा, है ना. तो एच हाइट से नीचे आएगा तो गोल पोस्ट में बॉल एंटर करेगी और गोल डन हो जाएगा. और अगर आपका वाई बड़ा आता है एच से, सॉरी यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगाया है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा. अगर आपका वाई एच से बड़ा हो जाता है, यानी कि गोल पोस्ट से बहुत ऊपर जाके ग्राउंड से बाहर बॉल चली जाएगी, तो गोल तो डन नहीं हुआ. तो इस सिचुएशन में जो गोल है वो डन नहीं होता है. तो आप इस फॉर्मूले से इस तरीके से रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं. सो इन दिस केस, अच्छा ये अभी तो गोल पोस्ट की बात हो रही है. अगर मान लीजिए वॉल का केस आ जाता हमारे सामने, सो अगर हमें दीवार पार करनी है बॉल से, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा इन केस ऑफ वॉल देखिए दो ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गोल पोस्ट को लेके या वॉल को लेके. गोल पोस्ट में आप देख पा रहे हैं कि जो वाई है अगर एच से छोटा रहता है तो आपका गोल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, डन हो जाता है, अदरवाइज गोल नहीं होता है. अगर आपके सामने वॉल का केस आता है, अगर वॉल से यानी कि वॉल को बॉल कवर करवानी है वॉल के आर पार, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो वॉल की हाइट होगी, मिनिमम से मिनिमम हाइट आपकी उतनी तो होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, राइट. मिनिमम से मिनिमम उतनी भी नहीं, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए. तो उस केस में क्या देखेंगे आप कि जो वाई है वो एच से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, तभी वो बॉल वॉल को क्रॉस कर पाएगी, ठीक है. अच्छा इसी तरीके से एक कंसेप्ट भी है और ये अपने आप में क्वेश्चन भी है. मैंने यहाँ आपके सामने क्या लिखा कि मैं यहाँ एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ और ये किसी x1 रेंज तक, यानी कि x1 रेंज पे, यानी कि जब ये चढ़ रहा है ऊपर, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री कवर कर रहा है, इसकी हाइट h अटेन होती है. हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एक प्रोजेक्टाइल सेम हाइट अटेन करता है दो टाइम पे, यानी कि t1 और t2 टाइम पे. आप अगर रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो लेक्चर नंबर 5 देखिएगा, उसमें मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया है और उसमें ये भी कहा है कि दो टाइम है हमारे पास जब
प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पर होता है। तो आपने क्या देखा, मान लीजिए वो चढ़ते वक्त एच हाइट पे पहुंच गया, जब ये डिसेंड कर रहा है उस टाइम पे भी इसकी एच हाइट है, और हम यहाँ मान रहे हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो एक्स वन एंड एक्स टू है। ओके, सो यहाँ आप क्या देख रहा है, हमने अब इस एच के लिए अगर हम फॉर्मूला पुट करें, एच के लिए अगर फॉर्मूला पुट करें तो एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, क्या हमने यही फाइंड आउट किया था? अगर हम इस फॉर्मूले में इसको क्वाड्रेटिक बनाने की थोड़ा सा कष्ट करें इसको, तो ये हमारे सामने रिड्यूस होके कैसे आती है, जी एक्स स्क्वेयर बाई टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस एक्स टेंजेंट थीटा प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई, इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, तो इसके दो रूट्स होंगे, और अगर सम ऑफ रूट्स देखें यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू देखें तो वो कितना आता है, अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये बी बाय ए जो हम लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स जो लिखते हैं, तो ये टेंजेंट थीटा बाय ये जी बाय टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा है, तो जी बाय टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, अब माइनस बी बाय होता है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसलिए प्लस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टू यू स्क्वेयर टेंजेंट थीटा कोस स्क्वेयर थीटा बाय जी, ये हमारे सामने। अच्छा, अब इसको एक बार हम यहाँ नेक्स्ट पेज पर मैं लिख रहा हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू हमारे सामने रिड्यूस होके आया था टू यू स्क्वेयर टेंजेंट थीटा कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू को, तो ये हमारे सामने निकल के आया था। अभी आप देखिए, एक्स टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा है, इस टेंजेंट थीटा को मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकता हूँ, कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा टू साइन थीटा कोस थीटा, राइट। देखिए यहाँ ऐसे टू यू स्क्वेयर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये कोस स्क्वेयर थीटा है डिवाइडेड बाय जी है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, सोल्व होके हमारा आ रहा है टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ एक्स वन प्लस एक्स टू मैंने आपको बताया था टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा होता है, तो इसलिए यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी आ रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये डराइव होके आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये आर का ही फॉर्मूला होता है, मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, तीन फॉर्मूले बताए थे, हाइट को लेके, रेंज को लेके और टाइम को लेके, तो ये रेंज आ रही है, ये किसके बराबर है, रेंज के बराबर है, तो आर आ गया। तो हमारे सामने निकल के आया है कि जो एक्स वन प्लस एक्स टू है वो आर है। अच्छा, अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, हमने क्या सीखा इससे, हम एक बार कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ। कंक्लूजन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैंने आपके सामने लास्ट क्लास में भी डायग्राम बनाया था इस चीज़ को लेके, वेट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अब यहाँ इस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने डायग्राम बनाया, इसमें आपने देखा कि जब ये असेंड कर रहा है उस टाइम पे हाइट मान लीजिए एच है, और जब ये डिसेंड कर रहा है यानी कि दो टाइम पे हमें क्या मिल रहा था, सेम हाइट मिल रहा था, यानी कि दिस इज टी वन और ये हमारा टी टू टाइम है, टी टू टाइम है। आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारी जो रेंज थी वो एक्स वन थी और यहाँ से ये हमारी एक्स टू थी। आपने अभी रिजल्ट निकाला, लास्ट क्लास में हम निकाला था कि जो टी वन प्लस टी टू है वो हमारे टोटल टाइम के बराबर है, टी वन प्लस टी टू टोटल टी के बराबर है, और एक्स वन प्लस एक्स टू अभी आप निकाल के आए हैं पीछे, एक्स वन प्लस एक्स टू वो आर आता है, ठीक है। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कंक्लूजन में, कि एक प्रोजेक्टाइल दो समय पर सेम हाइट पर हो सकता है, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल दो रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम हाइट पे हो सकता है, और उन दोनों टाइम का जो टोटल सम होगा वो टोटल टाइम होगा, और उन दोनों रेंजेस का जो टोटल सम होगा वो टोटल रेंज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा भी है,
और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी डराइव होके आपके सामने निकल कर आते हैं। अब लास्ट में इस लेक्चर में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था जो अभी इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में हमने जो डराइव किया वो था वाई एक्स टेंजेंट थीटा। मैं बहुत बार लिख चुका हूँ और बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, आई थिंक आपको ये याद भी हो जाना चाहिए। एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने निकाला था। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक अल्टरनेट फॉर्मूला आपके सामने डेराइव कर रहा हूँ। अल्टरनेट फॉर्मूला ये काम आता है बहुत, डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, जो वाई है ये एक्स टेंजेंट थीटा है, इसको आप ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, माइनस जी एक्स स्क्वेयर टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। आपने देखा क्या कीजिए, यहाँ टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई और टेंजेंट थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्स टेंजेंट थीटा ऊपर भी है, यानी कि इधर भी है और इधर भी है। यहाँ से आप इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या, एक्स टेंजेंट थीटा, एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन लेने के बाद दिस इज़ वन माइनस यहाँ बनेगा जी एक्स, एक एक्स रह जाएगा, बाय टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा टेंजेंट थीटा। तो ये आपके सामने निकल के आ रहा है। आप क्या करेंगे, वाई वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, जी एक्स बाय टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये जो टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा टेंजेंट थीटा, मैंने क्या कहा था लास्ट, अभी यहाँ देखिए क्या ये बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ टेंजेंट थीटा, ये देखिए टू यू स्क्वेयर टेंजेंट थीटा कोस स्क्वेयर थीटा बाय जी, इसी तरीके से बनेगा। उस जी को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। इस जी को नीचे लाने के बाद ये बाय में जी आ जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा पुट करके, ये आपका रेंज का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये बहुत काम की चीज़ है, आपको डायरेक्टली इसको ध्यान रखना है, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस एक्स बाय आर। ये थोड़ा सा मैं एक्स यहाँ पे अलग बना रहा हूँ, वहाँ अलग बना रहा हूँ, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं कर देता हूँ, कभी आप पजल ना हो। ये क्या है, ये एक्स टेंजेंट थीटा माइनस एक्स बाय आर है, तो ये उससे भी छोटी फॉर्म आ गई। तो अभी तक आपने क्या देखा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आपके सामने निकल के आया, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला और निकाला था जी एक्स स्क्वेयर टेंजेंट की फॉर्म में, ये निकल के आया था जी एक्स स्क्वेयर बाय टू यू स्क्वेयर वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये फर्स्ट, सेकेंड वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय टू यू स्क्वेयर वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, एंड थर्ड अभी हमने निकाला एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड टिल दिस टाइम, ओके। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ एक पैराबोलिक पाथ के बारे में हमने देखा है, और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दिए कैसे पूछेगा। तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने अभी निकाला, वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कोस थीटा, इसमें आपको हाइट मिलती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने अभी आपके सामने निकाला है इन दोनों को लेके, ठीक है, कि टी वन प्लस टी टू टी होता है और एक्स वन प्लस एक्स टू आर होता है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग, इन दोनों टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग और इन दोनों रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेम हाइट और प्रोजेक्टाइल मिलती है, और वो हमारी टोटल अगर हम देखें तो वो टोटल टाइम होता है, और इनका देखें तो वो टोटल रेंज होता है। ये आपको अभी तक याद रखना है, बहुत आराम से लेक्चर चल रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डरली चल रहा है सब कुछ। तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं पहले आप उनको देखिए, उसके बाद अपने वीडियोस को, लेक्चर्स को प्रोसीड कीजिए। मैं कुछ भी ड्रॉप आउट नहीं कर रहा हूँ, हर डाटा जो हमारे पास है बेस्ट से बेस्ट आपको सिंपलेस्ट और लेमन लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू सो मच, और प्लीज़ बी रेगुलर टू दीज वीडियोज़ टू वॉच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।